हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स तो देखिए अगर हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स है और हम उनको कितने तरह से ग्रुप कर सकते हैं कितनी तरह से जोड़ सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की ग्रुपिंग होती है नंबर वन सीरीज ग्रुपिंग एंड नंबर टू इस पैरल ग्रुपिंग तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज ग्रुपिंग के बारे में इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन वन पाथ कि भाई एक ही पाथ में रजिस्टर एक के बाद एक कनेक्टेड है ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए ये एक पाथ है यहाँ पर और इसी में रजिस्टर वन बाय वन कनेक्टेड है सो दैट सेम करंट फ्लो थ्रू ईच के सबसे एक ही करंट पास हो एंड देनेशन इज कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन तो उस कम्बिनेशन को हम कहते हैं यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस हो गए वो वन बाय वन कनेक्टेड हो गए एक ही पाथ में और सबसे सेम करंट फ्लो होगा यहाँ पर तो देखिए इसके लिए हम जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको निकालने के लिए हम रिलेशन ड्राइव करते हैं सो so फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं लेट वी वन वी टू वी थ्री इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर थ्री ये हमारे पास तीन रजिस्टर है आर वन आर टू आर थ्री आर वन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी वन मान लिया आर टू के पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया वी टू और आर तो थ्री के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर कर लिया वी थ्री और ये सारे कनेक्टेड है एक बैटरी से जो कि है वी वोल्ट की सो कनेक्टेड थ्रो ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल वी एंड लेट आई बी द करंट सप्लाई बाय द बैटरी और ये जो बैटरी है यहाँ पर ये आई करंट सप्लाई कर रही है ठीक है तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये जो बैटरी जो है इसका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है भाई ये जो बैटरी है इसका टोटल पोटेंशियल V है और जब करंट पास होगा फर्स्ट रजिस्टर से तो V1 वन पोटेंशियल ड्रॉप होगा सेकेंड से पास होगा तो यहाँ पर वी टू पोटेंशियल और थर्ड से पास पास होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा V3 तो इस केस में हमारा टोटल पोटेंशियल कितना था वी और ये तीन पार्ट्स में ड्रॉप हो गया सो वी इज टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी वन प्लस और हमको पता है वी नो रिलेशन होता है लिख सकते हैं अगर मैं वी वन को लिखना चाहूँ जो इसकेशियल कितना होगा करंट पास होगा आई जो इसका रजिस्टेंस है दोनों तो का मल्टीप्लाई सो वी वन इज टू आई आर वन सिमिलरली आप वी टू निकालोगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो इसमें करंट पास हो रहा है सेम आई करंट पास हो रहा है इसका रजिस्टेंस है यहाँ पर आर टू आर so, टू और वी थ्री यहां पर हो गया थर्ड uh, के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इसमें करंट पास हो रहा है आई और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस है आर थ्री अब क्या करते हैं इन सारों चारो वैल्यूज को इक्वेशन वन के अंदर पुट कर देते हैं सो यूजिंग इक्वेशन वन इसको यूज करते हैं एंड वी हैव वी की जगह हम लिख देते हैं आई आर एंड वी वन की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर आई आर वन प्लस आई आर टू और वी थ्री की जगह आई आर थ्री आई आर टू आई जो है वो यहां पर आ आई सी आई कैंसल आउट हो गया एंड आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ठीक है कि अगर हमारे पास तीन रजिस्टर है जो कि सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो हम टोटल रजिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं ठीक है और अगर हमारे पास यदि यहाँ पर एन रजिस्टर्स होते हैं सो तो फोर एन रजिस्टर्स एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरल इन पैरल तो जो हमारे पास टोटल रजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर और सिमिलरली हम इस तरीके से यहां पर प्लस अप टू आर एन तक लिख सकते हैं और ये हमें फॉर्मूला मिल गया सो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट दैट टोटल रेजिस्टेंस फोर सम रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल्स टू सम्स ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स इंडिविजुअल रजिस्टेंसेस ठीक है जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमें जितने भी हमारे टोटल रेजिस्टेंस रजिस्टर्स है उन सभी की जो रजिस्टेंसेस है उनका हम सम कर लेते हैं तो वहां पर हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो अगर आप एन रजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करो या फिर अगर आप इनको जोड़ के एक अकेला रजिस्टर लगा दो, दोनों का जो इफेक्ट होगा वो वहां पर सेम इफेक्ट होगा ओके सो दिस इज कार्ल्ड सीरीज ग्रुपिंग एंड दिस इज ऑल फॉर टूडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो